हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दिवाली के बाद पहला वीकेंड है और इतने दिनों तक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बाद अभी वीकेंड में लेजी फील हो रहा है। बहुत काम भी हो चुका है इसलिए लेजीनेस आ रहा है। तो सैटरडे मैं कैसे करके स्पेंड करूँगी और ये लेजी सैटरडे इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और खाना बनेगा और मेरी डॉटर नीचे खेलने जाएंगी, उसका बाल बना के उसको खेलने भेजूंगी और खाना नॉर्मल थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। अभी मेरी डॉटर नीचे खेलने जाएगी तो उसका बाद मैं बना रही हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बना पाऊंगी। पास्ता बनाऊंगी और कैसे करके बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं व्हाइट पास्ता और स्पेगेटी पास्ता दोनों ही बनाऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। बॉयल हो चुका है मेरा पानी, मैं उसमें इस टाइप का जो सेल टाइप का पास्ता होता है वो मैं दूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी। पैन पे अभी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। अभी मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक डालूंगी। हल्का फ्राई करने के बाद मैं चॉप्ड अनियन डालूंगी और इस टाइम पे मैं चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून से भी कम, थोड़ा सा। गार्लिक और अनियन है, लहसुन और प्याज हल्का सा भून चुका है, जस्ट उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना। इस टाइम पे मैं उसमें 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून के मेजरमेंट से मैं मैदा डालूंगी। हल्का सा, देखिए ऐसा करके भून चुका है, तेल भी अब्जॉर्ब कर लेता है। आपको हिलाना है जस्ट हल्का सा, 1 मिनट के आसपास। पास्ता भी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, इसी पानी में रहने देती हूँ, थोड़ा सा तब तक हो जाएगा। अभी इसमें मैं दूध डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि लम्स ना हो। जो मैदा दिया रहता है उससे लम्स हो जाता है तो वो क्रिएट ना हो। ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं टिफिन के लिए और जल्दी भी बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और ये जो लम्स जैसा हो रहा है इसको जो चम्मच है उससे हिलाते हिलाते जाइए, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इस टाइम पे मैं सॉल्ट अपने अंदाज से दीजिएगा क्योंकि पहले उसमें सॉल्ट दिया रहता है, मैं टेस्ट करके देख के सॉल्ट देती हूँ। और शुगर हल्का सा, थोड़ा सा मीठा, मैंने 1.5 चम्मच के आसपास, 1/3 स्पून के आसपास मैंने शुगर दिया है क्योंकि बच्चे ये थोड़ा सा हल्का मीठा होता है। अगर किसी को मीठा नहीं पसंद है तो हल्का सा दीजिएगा जस्ट फॉर टेस्ट। अभी मैं इटालियन मिक्स ऑफ 1 टेबलस्पून डालूंगी, ये ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाता है। अभी मैं अमूल प्रोसेस्ड चीज 2 क्यूब डालूंगी और उसको मिक्स करूंगी। एकदम थिक बन चुका है, ज्यादा थिक है तो आप उसमें फिर से दूध मिला दीजिएगा। और मेरा पास्ता बॉयल हो चुका है, मैं डायरेक्ट वहीं से उठा के गैस ऑफ कर देती हूँ, उठा के इसमें डाल दूंगी। अगर आप पहले से बॉयल करके रख रहे हैं तो पास्ता में आप ऑलिव ऑयल नहीं तो सनफ्लावर ऑयल उसको मिक्स करके रखिएगा, नहीं तो वो स्टिक हो जाता है। अभी मैं पास्ता को धीमी आंच पे मिक्स करूंगी, इसके बाद व्हाइट पेपर कूट के डालूंगी। देखिए मेरा ये पास्ता बन चुका है। अभी देखिए, अभी मैं बनाऊंगी स्पेगेटी विथ गार्लिक एंड हर्ब्स। ये मैंने स्पेगेटी बॉयल करके उसको स्ट्रेन कर लिया, अभी मैंने
इसके बाद मैंने गैस पे फ्राइंग पैन को चलाऊंगी और उसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी। इसमें 2-3 टेबलस्पून के आसपास आपको ऑलिव ऑयल डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें ज्यादा लगता है तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तेल गरम हो चुका है तो इसमें चॉप्ड गार्लिक मैं डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डालूंगी, ये हल्का हो चुका है। इसके बाद अनियन मैं डाल दूंगी। गार्लिक हल्का सा लाल होगा उसके बाद ही आप अनियन को डालिए, क्योंकि गार्लिक का थोड़ा बर्न स्मेल बहुत अच्छा लगता है पास्ता में। अभी देखिए मेरा अनियन और गार्लिक एकदम भुन चुका है, ऐसा ब्राउनिश टाइप का होगा, लाइट ब्राउन टाइप का। इस टाइम पे मैं सॉल्ट भी डाल दूंगी, आप अंदाजे से सॉल्ट डालिए अपने हिसाब से, क्योंकि स्पेगेटी जब बॉयल करते हैं उस टाइम पे भी सॉल्ट डाला जाता है। और मैं ये पार्सले हाथ से क्रश करके 1 टीस्पून और ये थाइम ये 1/2 टीस्पून और बेजिल 1.5 टीस्पून डालोगे, हाथ से क्रश करके हर्ब्स डालिए। अब मैं स्पेगेटी को मिक्स कर दूंगी, आप 2 स्पून लेके उसको मिक्स कीजिएगा, ये तो बहुत गर्म रहता है। और अभी देखिए मेरा ये सारे मैंने मिक्स कर लिया और मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके रख दिया, वो मैं इसमें डालूंगी, हल्का सा कूटना जिसको बोलते हैं, हल्का क्रश, एकदम पाउडर नहीं। ये मेरा मिक्स हो चुका है, हल्के हाथ से मिक्स कर रहा है और मेरा वो पास्ता भी रेडी है। अभी मैं इसको साइड में रख दूंगी। अभी मैं इसमें चिप्स फ्राई करूंगी, मैंने थोड़ा सा तेल देके फ्राई करती हूँ, ज़्यादा तेल देके फ्राई नहीं करती क्योंकि वो तेल बाद में रह जाता है। तो ये जो राइस पापड़ बोलते हैं वही मैं फ्राई करती हूँ, मेरी डॉटर को बहुत पसंद है राइस साबुदाना के पापड़। अभी मेरा सारे खाना बन चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे, अभी रात के 10 बज रहे हैं तो खाना खा लेते हैं। अभी बहुत अच्छा बना है। Be brother from the store. अभी हम लोग Amazon Prime पे मूवी देख रहे हैं, कार्टून मूवी, मेरी डॉटर को बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।